वेलकम टू अपना नाम प्यार। आज हम लोग किस के बारे में पढ़ेंगे? तो फ्रेंड्स, आपने कोई न्यूबॉर्न बेबी देखा है? अगर देखा होगा तो उसके पास टीथ तो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे वो बढ़ता है, जैसे वो 6 मंथ का होता है, तो फ्रेंड्स उसका पहला टीथ निकलता है। फ्रेंड्स, जैसे वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, वो 6 ईयर्स का हो जाता है, तो उसका जो सेट होता है, पूरा सेट प्राइमरी टीथ्स का हो जाता है। उसमें पूरे 20 टीथ्स होते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं हम लोग मिल्क टीथ और डेसीडुअस टीथ, प्राइमरी टीथ्स। फ्रेंड्स, ये सब टेम्पररी होते हैं, फिर उसके बाद ये सब हट जाते हैं, नया सेट आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बाय द वे 20। जब वो 20 ईयर्स के हो जाते हैं, लगभग 20 ईयर्स के हो जाते हैं, तब फ्रेंड्स उनका परमानेंट टीथ का सेट पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सेट में होता क्या है? फ्रेंड्स, सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम लोग सेट ऑफ टूथ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है टूथ का स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इस टूथ के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर व्हाइट पाइड, ये होता है इनेमल। फ्रेंड्स, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरे बॉडी में, ये बोन से भी हार्डेस्ट है। फ्रेंड्स, इसके नीचे आता है डेंटाइन, और फिर उसके नीचे आता है नर्व्स वाला पल्प। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं ये सेट की। तो सबसे पहले आते हैं हमारे इंसाइजर टीथ। फ्रेंड्स, आपने कभी हाथी देखा है? असली में नहीं, नकली में तो हाथी देखा है, पिक्चर्स में तो देखा ही होगा, वीडियोस में तो देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स, आपने उसके टस्क देखे हैं? फ्रेंड्स, वो कौन से टीथ होते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको कौन से वो टीथ्स होते हैं। वो होते हैं आउटर इंसाइजर्स। फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा हाथी के कहावत, जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और फ्रेंड्स, भले उससे वो खाते ना हो, पर वो लिफ्टिंग के लिए तो यूज़ करते ही होंगे ना। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है प्री मोलर्स। फ्रेंड्स, इसका काम होता है हमारे जो फूड है उसको क्रश करना। जब वो क्रश हो जाता है तो उससे पीछे आते हैं हमारे मोलर्स। और फ्रेंड्स, ये मोलर्स क्या करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं और ये सलाइवा से मिक्स होके आपके स्टमक में चला जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते ये खाना आपके स्टमक में जाता कैसे, मतलब कि खाने का पूरा प्रोसेस है क्या, तो फ्रेंड्स इस आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। आपको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, और पीछे तो फ्रेंड्स उसके बाद आएगा थर्ड मोलर। थर्ड मोलर जनरली कॉमन नहीं है, तो फ्रेंड्स ये कुछ ही लोगों को होता है थर्ड मोलर, जिसको हम कहते हैं विजडम टीथ, या फिर हम लोग उसको कहते हैं अक्कल। फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताता हूँ कि हमारा टूथ डीके कैसे होता है। फ्रेंड्स, जब हम लोग अपना खाना खाते हैं तो कुछ खाने के पार्टिकल्स हमारे टीथ में फंस जाते हैं, तो इसी के कारण वो जब बैक्टीरियास उस पर अटैक करते हैं तो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड से बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेबल को होल कर देते हैं, फिर होल करते खोलते डेंटाइन में चला जाता है। डेंटाइन से चलते चलते वो चला जाता है आपके पल्प में। तो फिर तो फ्रेंड्स, जब वहाँ पे पहुँच जाता है तो आपको बहुत दर्द होगा। तो फ्रेंड्स, आपको RCT करवाना चाहिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, उससे कम से कम थोड़ा ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, अपने आप मेन पॉइंट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्रॉपरली ब्रश करिए। आप सुबह ब्रश करते हैं, फिर आप शाम को ब्रश करिए, रात के टाइम ब्रश करिए। अगर फ्रेंड्स आप देखिए 6 टाइम मील्स होती है ना, ब्रेकफास्ट लंच, अगर फ्रेंड्स लंच खा के आप ब्रश नहीं कर सकते तो आपने माउथ रिंस करिए। फ्रेंड्स, यही सब रिंस करना मतलब कुल्ला करना। फ्रेंड्स, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने टूथ को डिके से बचाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो फ्रेंड्स इसको शेयर करिएगा। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।